जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सागर हो गेटेक में। तो दोस्तों, जो एसएससी जीडी का आपका एग्जाम होता है, उसके आंसर के आने के बाद आप पे फाइनली उसका रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया है। तो देखिए, पूरा रिजल्ट के बारे में हम जानने वाले हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि सर, इसका जो हमें कट ऑफ नहीं समझ रहा है, और साथ ही हमारा नाम शॉर्ट लिस्ट में कैसे चेक करें, और इसका जो पूरा नोटिफिकेशन है वो भी हमारे समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसा है, इन्होंने किस तरह से दिया है। ठीक है, तो देखिए पूरा डिटेल हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑन कर देना। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, ये जो आपका रिक्रूटमेंट कांस्टेबल इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, ठीक है, जो आपका कैप्स एनआईए एसएसएफ एंड राइफल मैन था, ठीक है, तो उसका एग्जामिनेशन हुआ था आपका 2021 को, देखिए 16/11/2021 से 15/12/2021 के बीच में। तो देखिए, जैसे हम स्क्रॉल करते हैं नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने दिया है कि एसएसएफ, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, यूआर, फिर इसका अवेलेबल कैंडिडेट है, ठीक है, और ये देखिए आप मार्क देख सकते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और डेट ऑफ बर्थ। इससे जो है काफ़ी जो कैंडिडेट है उनको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको आपके लिए एक स्पेशल कट ऑफ बनाया हूँ, तो उसको भी मैं वीडियो के अंत में आपको बता दूंगा। अगर उसमें आप आ रहे हैं तो ठीक है, आप समझ जाइए कि आप भी शॉर्ट लिस्ट हो गए, और साथ ही शॉर्ट लिस्ट में कैसे अपना नाम चेक करें वो भी मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। तो देखिए, ये भी आप लिस्ट टू में भी देख सकते हैं, कैंडिडेट अवेलेबल बताया गया है, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी और फिर टोटल, ठीक है, देख सकते हैं आप, ये पूरा लिस्ट इतना दिया गया है, तो पीडब्ल्यू में आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए मैं अभी आपको दूसरा पीडब्ल्यू है जिसमें कैंडिडेट के नाम शॉर्टलिस्ट गए, तो उसको भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो देखिए, हम आ गए यहाँ पे, जो आपको पीडीएफ दिख रहा होगा, तो ये जो है कैंडिडेट के नाम है, कुल मिला के जो भी कैंडिडेट यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हुए तो उनका पूरा लिस्ट यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो कुल मिलाकर 2538 यहाँ पे कुल मिलाकर पेजेस है, यानी बहुत से कैंडिडेट है यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हो गए हैं। और अभी अपना नाम कैसा चेक करें, बहुत से कैंडिडेट पूछ रहे थे कि सर, हमारा जो है, हम सर्च भी कर रहे हैं यहाँ पे, देखे जैसे हम यहाँ पे टच करके सर्च करते हैं, तो देखिए सर्च भी नहीं हो रहा है। तो ठीक है, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, तो वीडियो अंत तक बने रहना। तो देखिए, ये इसका प्रॉब्लम क्या है कि जो आप सर्च करने वाले हो, ठीक है, तो सर्च कैसा होगा ये, तो अभी देखो, अभी फ़िलहाल मैं जो आपके पेज नंबर एक पर हूँ, ठीक है, तो देखिए जो पेज नंबर एक पर जो नाम होंगे वही यहाँ पे सर्च होंगे, ठीक है। अगर मैं कोई भी नाम यहाँ पे डालता हूँ तो वो सर्च नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, जो पेज नंबर वन पे नाम हो वही सर्च होंगे। तो देखिए अभी आपको भी दिख रहा होगा, हम एक ऐसा नाम डाल देते, देखिए आपको ये जो भी नाम दिख रहे होगे, ठीक है, यही यहाँ पे सर्च हो गया। अगर आपको अपना नाम चेक करना है तो आपको पेज बाय पेज यहाँ पे सर्च करते चलना है, ठीक है, और साथ ही आपका रोल नंबर भी यहाँ पे दिया गया है, और जो ये रोल नंबर है, ठीक है, इसको भी आप पेस्ट करके देख सकते हो, लेकिन वो आएगा नहीं, लेकिन जिस पेज पर आपका नाम है उसी पर आप अगर जाके सर्च करते हो, ठीक है, जिस पेज पर आपका नाम है, ठीक है, उस पर जाके अगर सर्च करते हो तो आपका जो है आपको नाम दिख जाएगा, ठीक है। और साथ ही मैं आपको ये भी बताते चलता हूँ कि देखिए, ये जो आपको दिख रहा होगा, देखिए सबसे पहले तो मैं कैटेगरी की बात कर लेता हूँ। देखिए ये कैटेगरी यहाँ पे इन्होंने नंबर वाइज दिया गया है, ठीक है, देखिए यहाँ पे 6 से यहाँ पे 9292 इस तरह से, ठीक है, इस तरफ भी आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 9961 इस तरह से इन्होंने यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो ये कैटेगरी है क्या, तो मैं आपको चलिए स्क्रॉल करते हुए नीचे चलता हूँ, तो आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो देखिए इस पेज पर जो अभी मैंने यहाँ पे नाम टाइप किया हो, तो देखिए इस पेज पर जो नाम है वही यहाँ पे दिखाएगा, लेकिन जो मैं अभी नाम टाइप किया वो इस पेज पर नहीं है, लेकिन वो क्या है यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, लेकिन जो इस पेज पर एक नाम है तो वो हम यहाँ पे टाइप करके देख लेते हैं। तो देखिए हम टाइप करेंगे अभी शुभम कुमार, ठीक है, देखिए शुभम शुभम कुमार हम एक बार टाइप करके देख लेते हैं, देखिए शुभम यहाँ पे कुमार डाल देंगे। देखिए जैसे हम शुभम कुमार यहाँ पे टाइप किए तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए शुभम कुमार नाम से यहाँ पे एक नाम जो है यहाँ पे ग्रीन अपने ऑरेंज होके आ गया, ठीक है। तो देखिए इस लिस्ट में शुभम कुमार नाम है इस पेज पर, तो इसलिए यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। लेकिन देखिए जो मैं आपको गौरव के नाम डाला था वो क्या इस पेज पर नहीं है, लेकिन वो किस पेज पर है तो मैं आपको लेके चलता हूँ, क्योंकि जो आपको अपना नाम सर्च करना है तो आपको लिस्ट वाइज आपका नाम जो है सर्च करना है, ठीक है, यानी जिस पेज पर आपका नाम है वही पे वो क्या होगा सर्च होगा। तो चलिए मैं आपको उस पेज पर ले चलता हूँ। तो देखिए जो नाम हम सर्च कर रहे थे उसका जो नाम है यहाँ पे लिस्ट में नंबर में आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए वो आपके 1943 पेज नंबर पे, ठीक है, यानी देखिए 1943 पेज जो है यहाँ पे ढूंढने पड़े, 1943 पेज नंबर पर जो इसका नाम है। तो देखिए जैसे मैं आपको गौरव ANI शिफ्ट टाइप किया, तो देखिए यहाँ पे जो ऑरेंज होके आ गया, यानी गौरव अनिल उके, ठीक है, इसका नाम यहाँ पे है।
तो इस तरह से आपको सर्च करना है। और साथ ही अगर आपको कट ऑफ नहीं पता कि सर हमारा हुआ है या नहीं, तो देखिए मैं आपको फाइनली एक कट ऑफ भी आपको पूरा देखिए पूरा एनालिसिस करके वो बनाया हूँ मैं आपका। देखिए यहाँ पे ऑफिशियल कट ऑफ जो इन्होंने नहीं बताया है, ठीक है, तो मैं आपको कट ऑफ भी बताने वाला हूँ कि आपका पूरा स्टेट वाइज किस तरह से कट ऑफ गया है। तो ठीक है, तो देखिए दोस्तों वीडियो अंत तक बने रहना, आपको पूरा कट ऑफ मैं समझाने वाला हूँ। तो देखिए ये जो PDF है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो इसमें भी आप अपना नाम जो है यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि वो कट ऑफ क्या है। तो देखिए ये जो है आपका SSC GD कट ऑफ 2022 मैं स्टेट वाइज यहाँ पे पूरा बनाया हूँ। तो देखिए मैं सबसे पहले जो है अपना स्टेट देख लीजिए, स्टेट का नाम, अपनी कैटेगरी वाइज आपको कितने नंबर थे और यहाँ पे कट ऑफ कितना जा रहा है, तो उससे आप समझ सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हुआ है नहीं। अगर हो गया है तो आप अपना नाम शॉर्ट लिस्ट में चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इतनी शॉर्ट लिस्ट बड़ी है होने के कारण जो अपना नाम एक एक पेज करके आप सर्च करके चेक कर सकते हैं। तो चलिए हाँ देखते हैं। तो देखिए स्टेट का नेम मैं यहाँ पे इस कॉलम में रखा हूँ, ठीक है, साथ ही ये SC ST UR OBC और एक सर्विस मैन का यहाँ पे कट ऑफ है। तो देखिए जो आंध्र प्रदेश है, ठीक है, आंध्र प्रदेश का जो ज़्यादा बहुत कम गया है कट ऑफ। देखिए जो SC के लिए गया है वो गया आपके 30 से 35 के बीच में, ST के लिए 35 से 40, UR के लिए 40 से 45, OBC के लिए 35 से 40 और एक सर्विस मैन के लिए 35 से 40 के बीच में यहाँ पे कट ऑफ गया है। और बात करें बिहार की, तो देखिए बिहार की 40 से 45, इसकी 55 से 60 तक, 60 से 65, 55 से 60 और 35 से 40 के बीच में एक सर्विस मैन का गया है। तो इसी तरह से जो है आप अपने स्टेट वाइज देख लीजिएगा, ठीक है। और देखिए बात कर रहे छत्तीसगढ़ की भी देख लीजिए, 30 से 35 से गया है, सब 35 से 40, 40 से 45 गया है, साथ ही देखिए 35 से 40 और 35 से 40 के बीच में गया आपके एक सर्विस मैन का, ठीक है। SC का देखिए 30 से 35 और ST का 35 से 40 के बीच में है। इसी तरह से जो आप सभी अपने स्टेट वाइज देख लीजिएगा। अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो देखिए महाराष्ट्र का भी एक बार चेक कर ले, देखिए SC का क्या है आपका 40 से 45 के बीच में, और बात करें ST का देखिए 45 से यहाँ पे 50 के बीच में, फिर बात करें देखिए इसका क्या यहाँ पे 45 से 50, इसका क्या है 40 से 45, इसका 35 से 40 जो है एक सर्विस मैन, ठीक है। तो इसी तरह से सभी स्टेट का यहाँ पे मैं पूरा नोट करवा दिया हूँ, तो आप देख सकते हैं नागालैंड हो गया, या फिर आपका देखिए पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सभी स्टेट का यहाँ पे कट ऑफ आपको मिल जाएगा। तो इस कट ऑफ के मुताबिक अगर आपको जो CBT में मार्क्स मिले थे उससे आप कंपेयर करके आप समझ सकते हो कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं, ठीक है। अगर हो गया हो तो आपका नाम ज़रूर शॉर्टलिस्ट में चेक करें, और साथ ही चैनल पे भी बताइए कि किन किन का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और साथ ही चैनल पर नए दोस्तों तो इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है सिंपल सा प्रेस कर देना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो के साथ। जय हिंद।